से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। दीवान ने चौकी इंचार्ज को मारा डंडा, एसपी ने किया सस्पेंड। सीतापुर, मंगलवार को सीतापुर में एक दारोगा दीवान में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की। वही दीवान ने दारोगा को डंडा भी मारा। मामला इतना बड़ा कि दीवान को सस्पेंड कर दिया गया। घटना की चर्चा पूरे शहर में है। सुबह 9 बजे बैरियर पर एसआई रमेश चौहान ने वहां बैठे पुलिस कर्मियों से खड़े होने को कहा। ये बात हेड कांस्टेबल रामाश्रय और एसआई रमेश को नागवार गुजर गई। विवाद हुआ तो चौकी इंचार्ज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हेड कांस्टेबल को पटक देने की बात कह दी। हाथापाई के बीच हेड कांस्टेबल ने भी चौकी इंचार्ज के डंडा जड़ दिया। इस मामले में चौकी इंचार्ज ने हेड कांस्टेबल रामाश्रय यादव के विरुद्ध शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुताबिक इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह की रिपोर्ट पर हेड कांस्टेबल को एसपी ने निलंबित भी कर दिया है। इस मामले में चौकी इंचार्ज रमेश का कहना है कि कप्तान के निर्देश है कि ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहे। यही बात हमने रामाश्रय से कही थी तो वे उल्टे हमसे उलझ गए। बोले ड्यूटी कर तो रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। जिस पर थोड़ी बहुत उनसे कहा सुनी हो गई। कोतवाली में एक प्रकरण सामने आई है, उसका वीडियो वायरल हो रही है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर को एक हेड कांस्टेबल ने लाठी लेकर उनके साथ मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। ये प्रकरण आज सुबह कोतवाली क्षेत्र का एक पिकेट लाइट ड्यूटी में सिपाही को हेड कांस्टेबल तैनात किया गया था। ये बात संज्ञान में आई थी। सब इंस्पेक्टर ने, वो बैठा हुआ था, उसको बताया गया था आप खड़े होकर ड्यूटी करिए, तो उस पर कासूनी कर उन्होंने इनसबॉर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन करते हुए वर्दी में उनके साथ मारपीट किया। और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित हेड कांस्टेबल को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद आगे इनकी मेजर पनिशमेंट के लिए संशोधित किया गया है। ये आदेश को ना पालन करने के लिए और आपातकालीन स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट तब लागू हुआ है नहीं करने के लिए संबंधित सिपाही के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51 के अंदर भी मुकदमा लिखकर कार्रवाई किया जा रही है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई के अंदर मेजर पनिशमेंट के लिए संशोधित कर उसके आगे रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई किया जाएगी।